लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। लोग आसानी से ले लेते हैं, इसलिए छापे 50 के नोट, आरोपी गिरफ्तार भोपाल। राजधानी में फोटोकॉपी मशीन से नकली नोट बनाने वाले दो लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 50 और 500 रुपए के करीब 250 नकली नोट जब्त किए हैं। इनके पास सेकलर फोटोकॉपी मशीन, नोट बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न रंगों की स्याही, कागज, कटर मशीन भी बरामद की है। ऐशबाग थाना प्रभारी अजय नायर के अनुसार गिरफ्तार अंकित ने बताया कि 50 रुपए के नोट लोग आसानी से ले लेते हैं, इसलिए वे 50 रुपए के ही नकली नोट ज्यादा तैयार करता था। गिरोह पिछले एक महीने से नकली नोट बनाने का काम कर रहा था। देशी शराब के ठेकों पर चलते थे नोट। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। ऐशबाग पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि एक युवक अक्सर 50 रुपए के कुछ नकली नोट लाकर देशी शराब के ठेकों और आसपास की दुकानों में चलाता है। पुलिस ने दबिश देकर दीपक अहिरवार को हिरासत में लेकर तलाशी ली तो उसके पास 50 रुपए के 5 नकली नोट मिले। घर में तैयार कर मार्केट में चाले देते थे नकली नोट। आरोपी ने बताया कि उसे ये नोट लक्ष्मीगंज निवासी अंकित अहिरवार ने दिया था। अंकित कलर फोटोकॉपी के माध्यम से घर में नोट तैयार करता है और उसे मार्केट में चलाने के लिए देता है। पुलिस ने अंकित को गिरफ्तार कर उससे 250 नकली नोट जब्त किए। नोट बंदी के बाद 2017 में आया पहला मामला। नोट बंदी के बाद राजधानी में पहला नकली नोट छापने का मामला 24 अप्रैल 2017 में आया था। तब अशोका गार्डन पुलिस ने एक फोटो स्टूडियो में छापा मारकर 6,300 रुपए के नकली नोट जब्त किए थे। पुलिस ने मामले में दानिश अली, वसीम शेख उर्फ समीर, फोटो स्टूडियो के संचालक जितेंद्र उर्फ जीतू रेखवार और फहीम को गिरफ्तार किया था।